चंडीगढ़ अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर चंडीगढ़ बार और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने अपने कर्मियों सहित रोष प्रदर्शन किया। आज दोपहर लगभग 1000 रेस्टोरेंट कर्मी और मालिक अपने अपने आउटलेट बंद करके काले कपड़े पहनकर माथे पर काली पट्टी बांधकर सेक्टर 7 मध्य मार्ग से रोष मार्च पर निकले। उनके हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां पकड़ी हुई थी और सरकार से अपनी गुहार लगाते हुए वो लोग नजर आए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना था कि वो लगभग 9 सालों से अपनी मांगों के लिए प्रशासन को गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सांसद किरण खेर के आश्वासन और चंडीगढ़ के प्रशासक और चीफ आर्किटेक्ट के पक्के आश्वासन के बावजूद कोई इंसाफ नहीं मिला है। वो गाहे बगाहे उनके आउटलेट सील कर दिए गए हैं और नोटिस चस्पा किए जाते हैं। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि उनके कर्मियों का क्या कसूर है, 10 सालों से हमने उनको रोजगार दिया है और वो अपना परिवार पाल रहे हैं। ऐसी अनिश्चितता के माहौल में वो कहां जाएंगे? रेस्टोरेंट मालिक ने कहा कि सेक्टर 26 और 7 के रेस्टोरेंट और क्लब चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा GST देते हैं, वह रोजगार प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन उन्हें अनदेखा कर रहा है, जिसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, वरना वो पक्के तौर पर सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ए ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ को नोटिफिकेशन देखते हुए असी वी वर जस्ट ऑपरेटिंग लाइक दैट फॉर द लास्ट 12 ईयर्स नाउ, राइट। और ऑल ऑफ अ सडन हम एकदम एडमिनिस्ट्रेशन जा गई है, वो कहती है सानू तुम बैकवर्ड कोर्टयार्ड कवर करने की परमिशन नहीं है। तो साढ़े सील के नोटिस आ गए ने, सानू सील कर दी गई ने एक दो दुकाना कैसल्ट। यह समझो असं करोड़ों का GST वैट पे करते हैं, मेरे ख्याल कम से कम 5000 तो उपर इंप्लॉइज साढ़े इतने काम करते हैं, अन्य सेक्टरों के तहत बदलाव की नोटिफिकेशन जारी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।